आसमानी हमलों से बर्बाद हो रहा है खार्की। मिसाइल की मार से जल रहा है खार्की। रूस के अत्याचार झेल रहा है खार्की। ऐसे तो खत्म हो जाएगा खार्की। यूक्रेन के सबसे बड़े शहरों में से एक खार्की में बर्बादी के निशान बता रहे हैं कि शहर में जिंदगी की गाड़ी पटरी से किस कदर उतर चुकी है। मिसाइल हमलों से बड़ी बड़ी इमारतें जलकर राख हो चुकी है। बमबारी से मकान और दुकानें जमींदोज हो चुकी हैं। खार्कीव में जब आप कहीं भी हो तो आपको लगातार बमों की आवाज आती रहती है। कुछ इस तरह से दर्जनों बम यहाँ पे बरस रहे हैं और ये उसके सबूत यहाँ पे आप देखिए, सामने भी शीशे टूटे हुए नजर आ जाएंगे आपको और पूरा सुनसान और वीरान है। यहाँ पे रॉकेट गिरा था जिसको अथॉरिटीज ने यहाँ से उठा लिया है। सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और जो लोग जिंदा बचे उनके सामने जिंदगी को आगे बढ़ाने की चुनौती सामने खड़ी है। रूस ने इस शहर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रूसी हमले की चश्मदीद हमारी संवाददाता मौसमी सिंह भी रही है, जो हर हफ्ते आप तक पहुंचाने के लिए युद्ध क्षेत्र में डटी हुई है। दिखाते हैं कि किस तरह से जब रॉकेट गिरता है तो क्या स्थिति होती है। यहाँ पे अभी ताजा रॉकेट यहाँ पे गिरा है। हम खार्कीव शहर में और लगातार किस तरह से शेलिंग का सामना कर रहा है खार्कीव शहर, उसकी ताजा तस्वीरें आप देखिए। हम पहले चैनल है जो यहाँ पे पहुंचे हैं। आप देखिए पीछे धू धू करके पूरा धुआं निकल रहा है इस प्लांट में जो इस इलाके में शेलिंग हुई है। हम आपको ये लाइव इमेजेस नहीं दिखा सकते पर डिफर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे आग बुझाने की पूरी कोशिश हो रही है। फायर ब्रिगेड्स आई हैं। अब जरा रूस के हमलों से बर्बाद हुए इन वाहनों का हाल देखिए। जब इनका ये हाल है तो इनमें सवार रहे इंसानों की हालत सोचकर तो रूह भी कांपने लगती है। सड़क के बीचों बीच आप देख रहे हैं ये गाड़ी किस तरह से जल के खाक हो गई है। पर दुख की बात यह है कि दो जाने दो लोग इस गाड़ी में सफर कर रहे थे, वो भी खाक हो गए हैं। आज तक की तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि किस तरह से मिसाइल हमले में यहाँ पे जो लोगों की क्षति हो रही है, लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। खार्कीव में हर जगह रूस की सेना ने जमकर हमले किए हैं, जमीन से भी आसमान से भी। इस पूरे शहर को बर्बाद करने पर आमादा रूसी सेना ने न सरकारी ऑफिस छोड़े, न स्कूल, न अस्पताल और न ही निर्दोष नागरिकों। मॉस्को से खार्कीव, यूक्रेन आज तक।